गाइस वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल शार्क फैक्ट एज। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ अनोखे और फिर से लाया हूँ आपके लिए कुछ और भी मजेदार फैक्ट्स। तो बिना वेस्ट टाइम वेस्ट किए ना इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप ये जानते होंगे कि चाइना क्रिकेट नहीं खेलता है ना, राइट है, ये बात तो सही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो क्रिकेट जो है चाइना क्यों नहीं खेलता? हाँ ये मैं आपको बताता हूँ। होता ये है ना कि उनका जो मानना है, जो चाइना देश है उनका तो अलग ही, उनका डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं, लेकिन उनका मानना ये है कि हम वो खेल नहीं खेलेंगे जो ओलंपिक्स में नहीं खेला जाएगा। यानी जो जो खेल ओलंपिक्स में खेला जाता है चाइना सिर्फ वही खेल खेलेगा, वो खेल नहीं खेलेगा जो ओलंपिक्स में नहीं खेला जाता। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो खेल जो ओलंपिक्स में नहीं खेला जाता वो खेल पे उन्हें ना पैसा बर्बाद करना चाहिए और उन्हें ऐसा लगता है कि वो उस खेल पे टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए ना वो ऐसा खेल नहीं खेलते जिनमें उनका पैसा और उनका टाइम बर्बाद हो। तो अब चाइना से भी ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए या अडॉप्ट करनी चाहिए कि हमें भी ओलंपिक्स गेम पे फोकस करना चाहिए ताकि हमारा भी जो ओलंपिक में जो लेवल है वो बढ़े। क्योंकि सही बात भी है कि चाइना इसी कारण शायद आज टॉप पे ओलंपिक्स में इनकी जो कंट्री आते हैं वो टॉप 10 में रहती है। तो हमें भी शायद इस बात पे थोड़ा सा विचार ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों आप क्रिकेट के खिलाड़ियों के जो भी सैलरी है वो तो आप जानते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि अंपायर की एक मैच की कितनी सैलरी होती है? पर मैच के अंपायर का सैलरी होता है वो कितना होता है? आइए मैं आपको बताता हूँ। जो ये बात है ना, ये अंपायर को ना एक मैच, यानी जो अगर टेस्ट मैच है तो उसका अलग, एक वनडे तो अलग, T20 का अलग। तो टेस्ट मैच की अंपायरिंग यानी होल डे अंपायरिंग के लिए एक अंपायर को 3 लाख की सैलरी मिलती है, और वहीं बात करें वनडे की तो वहाँ उन्हें सिर्फ 1 लाख रुपये की सैलरी के रूप में उन्हें पैसा मिलता है। दोस्तों ये तो आपको मालूम होगा कि चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, और ऐसे कई और भी जीव है ना जो हमें यानी इंसानों को भी पीछे छोड़ जाएंगे अगर एक रेस हो तो। पर अगर बात करते हैं जो सबसे लॉन्गेस्ट रेस की, यानी लॉन्गेस्ट रेस यानी लॉन्गेस्ट रन की, तो सबसे जो लॉन्गेस्ट रन होगा ना अगर उसकी पूरी जीवों की रेस हो जाए धरती पे जो भी चलने वाले जीव है, तो उसमें सबसे ज़्यादा आगे यानी सबसे देर तक भागने वाले में इंसान ही सबसे आगे होंगे। हो सकता है कि बाय द वे सिचुएशन के हिसाब से ये बदल जाए, पर ऐसा एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चला है कि सभी जीवों से ज़्यादा दौड़ने यानी लंबे समय तक की जो स्टैमिना है वो इंसान में पाई जाती है। और आप देखते भी होंगे कि 50-50 किलोमीटर तक का रन हो रहा है आज ओलंपिक्स में, और लोग इसे काफ़ी आसानी से पूरा भी कर दे रहे हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी करें, और तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार दें ताकि हमारे ऐसे ही हमें मोटिवेशन भी मिले, और तो और आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें।